हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय जिनेंद्र, आपको मेरी तरफ से स्वागत है आपका मेरी इस एंटिक ड्राइंग में। आज मैं छोटे बच्चों के लिए एक हैंडमेड क्राफ्ट लेके आई हूँ। सबसे पहले हमें 15x15 सेंटीमीटर का एक वाइट कलर के पेपर को फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं फोल्ड करते जा रही हूँ, सेम यही प्रोसेस आपको करना है। ये देखिए, इस तरह आपको फोल्ड करते जाना है, यानी कि मैं इस वाइट कलर के एक ही पेपर से बहुत सारे हाथ के प्रिंट ड्रॉ करूंगी और उसे कट भी करेंगे हम। देखिए, अब मैंने फोल्ड करने के बाद अब मैं ड्राइंग कर रही हूँ। फिंगर आपको ड्रॉ करना है, इस तरह करते जाइएगा ड्राइंग। बहुत छोटा सा पेपर में मैंने ये ड्राइंग किया है। ये देखिए, मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर ली है, अब मैं इसे कट करूंगी। जैसे ही हम एक पेपर को कट करेंगे, हमारे बहुत सारे हाथ के फिंगर्स के प्रिंट वाली कटिंग पीसेस आप देख सकते हैं कितने सारे हो गए हैं। सेम ऐसे ही हमें ग्रीन कलर के पेपर पे और ऑरेंज कलर के पेपर पे करना है। हमने ऑर्गेनिक पेपर का यूज़ किया है। अब मैं ब्राउन कलर के A4 साइज़ के पेपर के ऊपर ट्री के ब्रांचेस को ड्रॉ कर रही हूँ। हमें ट्री नहीं बनाना, जस्ट ब्रांच बनाना है, ताकि हम इसके ऊपर अपने कटिंग वाले पीसेस को पेस्ट कर सके। जैसा कि मैं ये प्रोजेक्ट रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के ओकेशंस के लिए सिखा रही हूँ, अक्सर बच्चों को हम इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ईजी सा बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कराया जाए। इसलिए मैं खासकर छोटे बच्चों के लिए ये वाले क्राफ्ट को सिखा रही हूँ। देखिए, हमने ब्राउन कलर के पेपर पर ब्रांच ड्रॉ कर लिया है। मोस्टली मेरा ये ब्रांच कंप्लीट होने वाला है। अब हम इसे कट करेंगे और इस कटिंग पीस को हम ब्लैक कलर की स्पार्किंग फॉर्म शीट के ऊपर आप पेस्ट कर कीजिएगा, या फिर आप नॉर्मल किसी भी पेपर पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसे स्क्रैप बुक पे लगाना है तो आप स्क्रैप बुक पे भी पेस्ट कर सकती हैं। मैं ग्लू की मदद से ब्लैक कलर की स्पार्किंग फॉर्म शीट के ऊपर इसे पेस्ट कर रही हूँ। काफ़ी इजी सा क्राफ्ट है। स्कूल में अक्सर ऐसे क्राफ्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इसे बनाया है। देखिए, हाथ के जो प्रिंट है उसे मैं ग्लू लगा रही हूँ और इसे इस तरह हमें पेस्ट करते जाना है। सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर के फिंगर्स के प्रिंट को पेस्ट कर रही हूँ। देखिए, ऐसे करते आपको सारे पीसेस पेस्ट कर देने हैं ऑरेंज कलर के। फिर हम वाइट कलर के करेंगे और इसके बाद एंड में हम ग्रीन कलर के पीसेस को पेस्ट करेंगे। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग से इस क्राफ्ट को करना पसंद करेंगे। देखिए, इस तरह मैंने ग्रीन कलर के सारे पीसेस पेस्ट कर दिए हैं। अब हम इसे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए डेकोरेट करेंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर आपको स्क्रैप बुक को डेकोरेट करना है तो आप स्क्रैप बुक को डेकोरेट कीजिए। ये देखिए, नीचे मैं फॉर्म सीट के ग्रासेस को पेस्ट कर रही हूँ। ग्लू लगाते हुए आपको ये पीसेस पेस्ट करना है, जिससे कि ये ग्रास का लुक दे। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, अब मैं स्पार्कल ग्लिटर कलर का है, ये गोल्डन कलर का, इसे लगा रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ इसका। फिर हम इसे अपने फिंगर की मदद से स्प्रेड कर देंगे। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से भी करवा सकते हैं बच्चों से। जस्ट में आप एक आइडिया लीजिए कि हम इस तरह भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद एक आप चार्ट पेपर ले लीजिए, इस चार्ट पेपर के ऊपर हमें इसे रखना है। अब हम डेकोरेशन करना शुरू करेंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट है, स्कूल की प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं डेकोरेट कर रही हूँ। अब देखिए, इस चार्ट पेपर के ऊपर हमें हैप्पी, मैंने ये अल्फ़ाबेट यूज़ किया है ग्लिटर वाला। आप कुछ भी तरीके से डेकोरेट करवा सकते हैं बच्चों से।
देखिए इस तरह आपको हैप्पी लिखना है। आप चाहो तो कलर करा सकते हो, आप चाहो तो बलून्स के पीसेस से भी डेकोरेट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं डेकोरेट करने के। मैंने एक सिंपल सा टेक्निक यूज़ किया है, देखिए जस्ट हैप्पी रिपब्लिक डे लिख रही हूँ, जो ईजली अल्फ़ाबेट मिल जाते हैं मार्केट में स्टिकर इसके। इस तरह आपको हैप्पी रिपब्लिक डे स्टिक करना है। अब तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो हैप्पी रिपब्लिक डे लिखने के लिए। आप चाहो तो स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप क्रेयॉन्स कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए अब मैं 2021 स्टिकर चिपका रही हूँ। ये सारे आपको डेकोरेशंस के आइटम्स ईजली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने स्टिकर लगा दिए हैं। ये देखिए ये मैंने फॉर्म सीट का स्टिकर लगाया है। ऐसे ही मैं पूरे पेपर में स्टिकर्स लगाने जा रही हूँ। एक एक करके मैंने सारे स्टिकर लगा दिए। हार्ट शेप के भी स्टिकर आपको मिल जाते हैं मार्केट में। ये देखिए फ्लावर्स के भी स्टिकर मैंने लगा दिए, स्टार के भी स्टिकर लगा दिए हैं। मोस्टली मेरा ये आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट रेडी हो गया है हैप्पी रिपब्लिक डे के ऊपर। होप सो आपको ये वाली वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होगी। ऐसे ही मैंने और भी बच्चों के लिए वीडियोस बनाई हैं, उनके स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए भी बनाई हैं वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करना ना भूलिए और हो सके तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।